नमस्कार, मैं प्रिया बौद्ध, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। खबर राजस्थान विधानसभा चुनाव की है, जहां जयपुर में बुधवार देर रात मुख्यमंत्री के नाम पर बैठकों का दौर चलता रहा, लेकिन कोई सहमति ना बन पाने पर गुरुवार को दोनों दावेदारों को दिल्ली बुला लिया गया। सबसे पहले सचिन पायलट कांग्रेस अध्यक्ष के निवास पर पहुंचे, दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई। सचिन पायलट के जाते ही अशोक गहलोत राहुल गांधी से मिलने पहुंचे। एक ओर सचिन पायलट और अशोक गहलोत राहुल गांधी से मुलाकात कर रहे थे, तो दूसरी ओर कांग्रेस मुख्यालय जयपुर में पायलट के समर्थक उनके नाम की नारेबाजी कर रहे थे। कमोवेश यही नज़ारा राहुल गांधी के निवास के बाहर भी मिला। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सचिन पायलट लंबे समय तक राजस्थान के मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में डटे रहे। सचिन का तर्क था कि यदि अशोक गहलोत राजस्थान का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो 2013 में हारने के बाद प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं बने। सचिन पायलट ने मध्य प्रदेश में कमलनाथ के मुख्यमंत्री बनने का भी उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में यदि प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री बन सकता है तो वे क्यों नहीं बन सकते। उन्होंने अपने 4.5 साल की मेहनत का हवाला भी कांग्रेस अध्यक्ष के सामने रखा। पायलट का यह भी कहना था कि अशोक गहलोत ने बागियों की मदद की है, लेकिन ये उनके तर्क नाकाफी साबित हुए। जब आज देर शाम राहुल गांधी ने राजस्थान सीएम के लिए अशोक गहलोत के नाम की पुष्टि कर दी है, वहीं दूसरी ओर सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री भी बनाया गया है। कांग्रेस मुख्यालय में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की औपचारिक घोषणा की गई। पार्टी ने इसे अनुभवी और ऊर्जावान नेतृत्व का मेल करार दिया है। आपको बता दें कि अशोक गहलोत पहले भी राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और पार्टी हाईकमान ने तजुर्बे और युवा चेहरे के बीच तजुर्बे को ज़्यादा महत्व दिया। 7 सितंबर 1977 में जन्मे सचिन पायलट को भी राजनीति विरासत में मिली। उनके पिता राजेश पायलट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मजबूत नेता थे। राजेश पायलट दौसा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से कई बार सांसद भी रहे। पेशे से पायलट रहे राजेश पायलट ने एयरफोर्स को छोड़कर राजनीति में कदम रखा। उन्होंने इंडियन एयरफोर्स में भी काफ़ी नाम कमाया। उन्होंने 1971 की जंग में पाकिस्तान की फौज के कई ठिकानों को नेस्तनाबूद भी किया था। कुशल राजनेता के रूप में सचिन पायलट 15वीं लोकसभा में संचार व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रह चुके हैं। उप मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद सचिन पायलट ने कहा कि किसको मालूम था कि 2-2 करोड़पति बन जाएंगे। मैं राहुल गांधी जी और विधायकों को धन्यवाद करना चाहूँगा और मैं गहलोत जी को भी बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि कांग्रेस का यह प्रदर्शन 2019 में भी जारी रहे। प्राइम न्यूज 24 के लिए प्रिया बौद्ध की खास रिपोर्ट। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन को दबाकर हमारी ताजातरीन खबरों से अपडेट रहें।